हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे बिल्कुल सेफ वगैरह होंगे। सो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक रैंडम हॉल। तो इतने सारे कपड़े देख तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, एक हॉल करने वाले हैं। और ये सारे कपड़े जो है ना, ये मैंने चंडीगढ़ के कोई ना कोई सेक्टर से लेके आई हूँ, अलग 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 अलग। सो मैं भी भूल चुकी हूँ मैं किधर किधर चलाई हूँ, बहुत सारे सेक्टर्स में घूम घूम के लेके आई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मस्त मस्त से बड़े कपड़े लाई हूँ, तो उनका हॉल करते करते बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप सोच रहे हो मेरे हाथों पे क्या हुआ है, सो अगर आप DIY करो तो ऐसे हाथ हो जाते हैं उनके। अब मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो DIY था वो कंप्लीट नहीं हुआ है एक्चुअली ना, वो मुझसे बना ही नहीं। ओके, सो वन मोर थिंग कि मैं ना बहुत टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली पता नहीं मैं क्यों इतने टाइम बाद आई हूँ। जस्ट मैं थोड़ा बीच में लेजी पड़ गई थी, सालों से लेजी पड़ गई थी, पर अब आ गई हूँ ना, तो चलो हॉल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास ये वाली स्वेट शर्ट बोल सकते हो, क्योंकि जैकेट वाली वाइब तो बिल्कुल भी नहीं दे रही है मुझे। और ये मैंने डीकैथलॉन से ली थी एक्चुअली, ना ये पिछले हफ्ते लाई थी मैं, वरना मैंने हॉल में ऐड कर ली, तभी इसके पास कोई टैग भी नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूँ ना तो ये बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, बहुत प्यारी प्यारी सी है, और जिसके यहाँ पे छुटका छुटका सा कुछ लिखा हुआ है। एंड ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को वो समझ नहीं आ रहा क्या है यार, कुछ भी लिखा है इन्होंने। मुझे तो बस इतना ही समझ आया कि ये बहुत प्यारी लग रही है तो मैं ले ली। तो फिर इसका कलर है सी ग्रीन। कैमरा में थोड़ा सा ब्लू लग रहा है, बट ये सी ग्रीन कलर का है एक्चुअली। इसके कॉलर वॉलर है, और मुझे इसको डिस्क्राइब करना आ नहीं रहा है, सो मैं इसको बस इतना ही दिखाऊंगी। दैट वॉज माई स्वेट शर्ट। सो नेक्स्ट is this sweater, okay? और ये स्वेटर है जो बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है मुझे। एंड ये बहुत ब्यूटिफुल है, एंड ये मैंने कॉप से लिया था। मैं इसकी MRP बताना पसंद नहीं करूँगी, पता नहीं क्यों। एंड ये स्वेटर बहुत ब्यूटिफुल है, इसका कलर बहुत क्रीम वाला है, ठीक है, क्रीमी कलर है इसका बहुत। मतलब इसके ऊपर का शेड है जो एक वाइट शेड है, ऑफ वाइट दिख रहा है कैमरा में, बट एक थोड़ा क्रीमी सा ऑफ वाइट है। एंड नीचे इसका थोड़ा बट्टे बट्टे जैसा कलर है। एंड इधर जो आप देख रहे हैं नीचे, थोड़ा सा क्या कलर, मक्खन कलर। ये कुछ येलो का लाइट सा शेड वाला कलर है। जाओ आप इसकी भी पिक्चर देख के आओ। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला जंप सूट, और ये मिंत्रा का है, ठीक है, बाय द वे मिंत्रा से है। तो अगर इसके आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं उसमें मैं दे दूंगी आपको उसका लिंक। तो ये वाला जो क्या बोलते हैं जंप सूट है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था। एंड इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और इसकी इलास्टिक है इधर। मैं क्या बता रही हूँ, बंद करो। ओके, सो ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। एंड ना ये मतलब इतना क्यूटू क्यूटू सा है, और इसके पीछे ये वाले क्या बोलते हैं इसको, समझ जाओ तुम यार, मैं भूल गई क्या बोलते हैं इसको, अभी तुमको याद था। कुछ स्ट्रिप्स दे रखी हैं यार तुम, जो इसको बांधते हैं बस, ठीक है। और एक जिप भी है पीछे, और यहाँ पे नीचे इसके एक ब्लैक कलर का बॉटम दिया हुआ है, एंड ये बहुत प्यारा है। मुझे बहुत पसंद है ये, एंड यू कैन वेयर दिस इन एनी पार्टीज। हाँ, पार्टी वेयर। सो दिस वाज माय जंप सूट। नेक्स्ट कौन सा वाला दिखाऊं, ये वाला। ओके, सो ये है एक क्यूट सा स्वेटर जो कि बहुत पिंटरेस्टी वाइब्स दे रहा है। एंड इसके ऊपर बहुत सारे बैग्स का प्रिंट है। हाँ, से बहुत प्रिटी है, आपको पता है, ये बहुत क्यूट लगा है मुझे।
एंड ये मेरी मम्मा ने सेलेक्ट किया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और आप मेरे शॉपिंग देख के पता लगा सकते हो कि मैं विंटर शॉपिंग करके आई हूँ। बट बस एक चीज़ है जो कि ये है जो विंटर शॉपिंग में नहीं आ रहा है कहीं से भी, तो ना ये ना मुझे बताओ क्यों पसंद आया था, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक डिज़ाइन और इसके कॉलर्स भी बहुत क्यूट है। मेरे को कॉलर्स वाली चीज़ मतलब कपड़े होते हैं ना जो बहुत पसंद आते हैं वो, क्योंकि इसके कॉलर्स भी देखो कितने एस्थेटिक हैं। और मैंने अभी अभी नोटिस किया इसके पीछे एक बटन भी। हाँ तो ये पहना जा सकता है विंटर्स में। सो या तो नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको टॉप, इसको फेंक दो। सो नेक्स्ट टॉप नहीं है हमारे पास, एक वन पीस ड्रेस बोल सकते हो आप। हाँ वन पीस ड्रेस है जो कि है ये वाली। एंड गाइस ये ना एक वूलन ड्रेस है, मतलब ये थोड़ा सा ना ऐसे थोड़े से थिक कपड़े की ड्रेस है। और ये यहाँ पे इसकी फर लगे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अरे बहुत कम्फी है, इसको विंटर्स में आप पहन सकते हो। बट आपको स्टॉकिंग्स लेनी पड़ेंगी उसके लिए, क्योंकि यार अगर आप इसको ऐसे पहनोगे तो यार गर्म ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी और आप जम सकते हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वेयर स्टॉकिंग्स। और हाई नेक मत पहन, हाई नेक पहन सकते हो अगर आपकी मम्मा बनाती है तो, क्योंकि मेरी भी मम्मी बनाती है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो थी मेरी ड्रेस। सो अरे यार इसका वो शॉर्ट तो लेना भूल ही गए, सो मच ग्रेसफुल, निकाल लो यार इसे, इसको भी रख देते हैं साइड में। और नेक्स्ट मतलब ये हमारी लास्ट ड्रेस होने वाली है। एंड सो हमारी जो ये लास्ट ड्रेस है, ये वाली ड्रेस थोड़ी सी ब्यूटीफुल है। हाँ तो ये है हमारा एक लास्ट वाला मतलब ड्रेस। सो वो है ये, ठीक है। एंड ये बहुत प्रिटी है, इसको ना आप ऐसे कोई टॉप वेयर करके उसके ऊपर से ऐसे अगर आप इसको वेयर करोगे ना, सो इट विल लुक सो प्रिटी। इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर हम एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रिप्ट वाला टैन टॉप लेके उसके ऊपर पहने ना तो बहुत अच्छा लगेगा ये, ट्रस्ट मी गाइस। एंड अगर उसका कलर ब्लैक या वाइट हो तो। सो ये है मेरा टॉप सॉरी यार, ठीक है। हाँ तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि इसको हैंगर पे लगाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यार ये ना एक साइड से इसको लगाओ तो फिर ये दूसरी साइड से निकल जाता है डॉल एंड ऑल। सो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। सो या तो गाइस आप लोग मुझे बताना कि आपको कौन सा टॉप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके गाइज सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। चलो अब एडिट करूँ।